students. So today we will study about antacids. और antacids के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले antacids के नाम से ही क्लियर है कि antacids होते क्या है. Antacids, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं. लास्ट में हमारे पास जो वर्ड आ रहा है दैट इज acids. और acids के आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है ant. तो ant वर्ड जिस भी हमारे पास टॉपिक के आगे लग जाता है तो उसका क्या मतलब होता है. जैसे हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं, वैसे ही हमारे पास जो एंटीसिड्स होते हैं वो हमारे पास एंटी एसिड्स होते हैं. यानी कि एसिड्स की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज करने के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं वो हमारे पास होती हैं एंटीसिड्स. तो जो एंटीसिड्स हैं ये हमारे पास ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर का पार्ट है. तो बेसिकली कुछ पेशेंट्स के अंदर या कुछ पर्सन्स के अंदर हमारे पास क्या होता है एसिड्स की जो हमारी फूड यहाँ पे हमें ये क्लियर है कि हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है जो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल है, ट्रिप्सिन रिस्पॉन्सिबल है. और हमारे पास वैसे ही अब ये जो एंजाइम्स हैं ये हमारे पास एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर वर्क करती हैं और वो हमारे पास पीएच होता है 2 to 4. यानी कि हमारे पास एसिडिक साइड ऑफ पीएच के ऊपर हमारी जो एंजाइम्स जो डाइजेशन करवाती हैं वो हमारे पास प्रॉपरली वर्क करती हैं. और ये जो एंजाइम्स हैं जैसे कि पेप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये हमारे पास एक्टिवेट भी ये इनिशियली जब रिलीज होती हैं बॉडी के अंदर तो पेप्सिनोजन या फिर ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म के अंदर रिलीज होती हैं. तो जब हम इन एंजाइम्स को हम एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तब भी हमें एक हमारा एसिडिक पीएच की ज़रूरत होती है. और ये जो एसिडिक पीएच होता है ये हमारे पास बॉडी के अंदर HCl जो है वो प्रोवाइड करता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में. यानी कि अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर HCl जो है वो रिलीज होता है. और HCl के हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो HCl है वो हमारे पास एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है. सेकेंडली हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि जो एंजाइम्स है वो एक्यूरेटली वर्क कर सके. थर्डली जो हमारे पास HCl है वो हमारे पास उसका माइनर सा इफेक्ट इसके अंदर भी है कि हमारे पास वो हमारी बॉडी के अंदर अगर फूड के थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई बैक्टीरिया हमारे पास एंटर कर जाए हमारी बॉडी के अंदर तो उसको विद द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी हमारे पास बैक्टीरिया को किल कर दे. और उसके अलावा हमारे पास फूड डाइजेशन के अंदर भी HCl का रोल देखा गया है. तो अभी ये तो क्लियर है कि हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए HCl जो है वो नेसेसरी है. लेकिन कुछ लोगों में हमारे पास क्या हो जाता है HCl की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से उनके स्टमक के अंदर हाइपर एसिडिटी हो जाती है. और जब ये हाइपर एसिडिटी हो जाती है तब हमारे पास अल्टीमेटली अगर एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो तो हमारे पास जो म्यूकोजल लेयर होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो HCl से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या स्टमक की जो लाइनिंग है उससे उसको तो क्या आता है हमारे पास अगर हमारे पास HCl या एसिड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास जो लाइनिंग है उस तक HCl पहुंच जाता है और हमारे पास डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है स्टमक की लाइनिंग. तो स्टमक की लाइनिंग के हमारे पास डैमेज ना हो, हमारे पास जो एसिड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो या फिर जो हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस में जो एसिड प्रोड्यूस है उसकी हम उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं. हम यूज़ करते हैं एंटासिड्स. सो एंटासिड्स हमारे पास क्या होते हैं. एंटासिड्स आर द ड्रग्स विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड. तो जो हमारा स्टमक है या हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर जो एक्सेस गैस हमारे पास एक्सेस HCl प्रोड्यूस हो गया है उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम एंटासिड्स यूज करते हैं और स्पेसिफिकली इनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक एंटासिड्स. तो जो ये गैस्ट्रिक एंटासिड्स होते हैं इनका हमारे लिए केमिकली हमारे पास वीक बेसिस होते हैं. और हमारे पास ये जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं वीक बेस होते हैं ये हमारे पास केमिकली रिएक्ट करते हैं हमारे गैस्ट्रिक एसिड के साथ. और उस जब केमिकली रिएक्ट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड के साथ तो ये क्या हो जाता है हमारे पास जो गैस्ट्रिक एसिड है वो हमारे पास न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो क्या होते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक एंटासिड्स.
Gastric antacids are weak bases which react chemically with the produced gastric acid and neutralizes the gastric acid. तो हमारे पास जो gastric acid है उसकी neutralization हो जाती है और हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा जो excess gastric acid है वो neutralize हो जाता है with the help of gastric antacids. तो उसके अलावा हमारे पास gastric antacids क्या करते हैं, gastric antacids हमारे पास pepsin जो enzyme है उसकी activity decrease कर देते हैं. तो हमारे पास क्योंकि जो optimum activity है पेप्सिन की वो हमारे पास 2 से लेके 4 पीएच तक ऑप्टिमम एक्टिविटी आती है पेप्सिन की. तो अगर जब हमारे पास पेप्सिन अवेलेबल नहीं होता या फिर हमारे पास जो एचसीएल है वो अवेलेबल नहीं होता तो हमारे पास जो हमारा पीएच है स्टमक का वो इंक्रीज कर जाता है और बेसिक साइड पे चला जाता है जिसकी वजह से जो पेप्सिन एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी लूज कर जाती है. और हमारे पास जो गैस्ट्रिक एंटासिड्स हैं वो हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और उसके अलावा हमारे पास पेप्टिक अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. अब ये जो गैस्ट्रिक एंटासिड्स हैं ये हमारे पास एसिड सिक्रीशन को स्पेसिफिकली डिक्रीज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो एसिड एक्सेस में प्रोड्यूस हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं. और हमारे पास जब न्यूट्रलाइज हो जाता है एचसीएल विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक एंटासिड्स तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है या फिर हमारे पास मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो हमारे पास एजेंट है वो हमारे पास बफरिंग एक्शन से न्यूट्रलाइज करता है हमारे गैस्ट्रिक एंटासिड्स को. हम बेसिकली जो गैस्ट्रिक एंटासिड्स है उनको 2 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो क्लास आती है दैट इज सिस्टेमिक एंटासिड्स और हमारे पास सेकेंड जो क्लास आती है दैट इज नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स. अब जो सिस्टेमिक एंटासिड्स हैं इसके अंदर हमारे पास जो एक ड्रग आती है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स के अंदर हमारे पास ड्रग्स जो आती है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट. और इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिस्मथ कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जैसी ड्रग्स भी यूज होती हैं इन द केस ऑफ नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स. तो सबसे पहले बात करें सिस्टेमिक एंटासिड्स की, तो सिस्टेमिक एंटासिड्स के हमारे पास जो ड्रग है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास ड्रग है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक हमारे पास वीक बेस है, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल होता है और हमारे पास इसका जो अनरिएक्टेड पोर्शन होता है वो हमारे पास बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है जो हमारे पास क्या करता है सिस्टेमिक अल्कलोसिस कॉज कर देता है. और जो हमारे पास ड्रग्स सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब हो जाती हैं और सिस्टेमिक अल्कलोसिस कर देती हैं या बेसिसिटी कॉज कर देती हैं उस उन ड्रग्स को हम सिस्टेमिक एंटासिड्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं. अब ये जो हमारे पास ड्रग है ये हमारे पास गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कॉज करती है क्योंकि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करवा देती है स्टमक के अंदर और जिस और हमारे पास रिबाउंड एक्शन से क्या होने लग जाता है हमारे पास HCl जो है वो वापस प्रोड्यूस होने लग जाता है. लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रग है ये हमारे पास पोटेंट है, रैपिडली एक्टिंग ड्रग है और लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट है. और हमारे पास जो फ्रीक्वेंट यूज है सोडियम बाइकार्बोनेट का वो हमारे पास एसिड का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिन जो एंजाइम होती है उसका प्रोडक्शन हमारे पास स्टिमुलेट करता है. और इसके अलावा हमारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो हमारे पास अल्कलोसिस कॉज कर देता है. अल्कलोसिस क्या होता है हमारे पास, अल्कलोसिस जो वर्ड है वो हमारे पास अल्किलाइन से आया है और अल्किलाइन का क्या मतलब होता है हमारे पास जो चीज़ हमारे पास जो सॉल्ट्स या जो ऐसे हमारे पास कंपाउंड जो कि बेसिक करते हैं एनवायरनमेंट को उस कंडीशन को हम कहते हैं अल्कलोसिस. तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास इतना पोटेंट ड्रग है कि अगर हाइपर एसिडिटी किसी पेशेंट के अंदर हुई होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली अल्कलोसिस हो जाएगा. यानी कि हम वो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास जो बेस है और हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देगा और सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास जनरली इनो के अंदर प्रेजेंट होता है. और उसके अलावा हमारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो फ्लूइड रिटेंशन कॉज करता है क्योंकि
हमारे पास सोडियम रिटेंशन हो जाती है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये ओकेजनल यूज के लिए हमारे पास प्रेफर्ड है, और हमारे पास लॉन्ग टर्म यूज के लिए हम लॉन्ग जो हमारे पास नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स है हम ये प्रेफर करते हैं। अब जो सिस्टेमिक एंटासिड्स है स्पेसिफिकली सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये हार्ट बर्न के अंदर हमारे पास यूज किया जाता है पाउडर या च्यूएबल टैबलेट्स की फॉर्म में। हमारे पास क्विक और सिम्टोमेटिक रिलीफ आता है, 0.3 से लेकर 2 ग्राम तक की हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेपरेशंस आती है। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है उसके केस में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है, और उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो यूरिन को अल्कलाइन करने के लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली बारबिट्यूरेट या सैलिसिलेट पॉइजनिंग के अंदर। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग हो जाए या फिर सैलिसिलेट पॉइजनिंग हो जाए और उसके अंदर हमने एक्सक्रीशन इंड्यूस करानी हो बारबिट्यूरेट्स की या सैलिसिलेट्स की, तो हम क्या करते हैं यूरिन को अल्कलाइन करा देते हैं, और यूरिन को अल्कलाइन कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास ड्रग्स की आती है दैट इज नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। अब जो हमने क्या पढ़ा था सिस्टेमिक एंटासिड्स के अंदर, सिस्टेमिक एंटासिड्स हमारे पास ऐसे एंटासिड्स हैं जो कि हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं, हमारे पास जो अनरिएक्टेड पोर्शन होता है हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट का वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो जाता है हमारे पास सिस्टेमिक अल्कलोसिस कॉज करता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स हैं ये हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं होते सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हम इसको नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स बोलते हैं। और ये जो एंटासिड्स हैं ये हमारे पास अल्कलोसिस जो सिस्टेमिक अल्कलोसिस है वो कॉज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास जो सिस्टेमिक एंटासिड्स हैं और नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स हैं ये दोनों एंटासिड्स ही हमारे पास न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, जो हमारे पास फ्री एसिड्स हैं या तो हमारे पास डायरेक्टली केमिकली रिएक्ट करके या फिर हमारे पास बफरिंग करके जो गैस्ट्रिक एसिड के हमारे पास बफरिंग एक्शन के साथ। अब हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स हैं ये हमारे पास बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास हाइड्रोक्साइड या बाइकार्बोनेट जो है उसको रीजनरेट कर देते हैं, और हमारे पास कोई भी नेट गेन या लॉस नहीं होता हाइड्रोजन आयंस का, जिसकी वजह से ना तो एसिडोसिस होता है ना ही अल्कलोसिस कॉज कर पाती है नॉन सिस्टेमिक जो ड्रग्स हैं हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली सबसे पहले जो हमारे पास क्लास आती है दैट इज एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स जो है ये हमारे पास पाउडर की फॉर्म में टैबलेट की फॉर्म में और एक्वस सस्पेंशन की फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। जो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है दैट इज स्लो, और लेकिन ये जो हमारे पास पीएच को हमारे पास जो एल्यूमिनियम कंपाउंड है ये रेज कर सकते हैं 4 तक, और उसके अलावा हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं इनकी हमारे पास डिमल्सेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ये हमारे पास पेप्सिन की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं कर पाते, और हमारे पास जो हमारे HCl जो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करके हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड की जनरेशन कर देते हैं, और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो हमारे पास इंटेस्टाइनल सेक्रीशंस के साथ रिएक्ट करके हमारे पास इनसॉल्युबल फॉस्फेट और क्लोराइड जो सॉल्ट्स हैं वो रीजनरेट कराता है और जो हमारे पास रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास एसिड बेस बैलेंस जो है वो हमारे पास अल्टर नहीं करते एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। अब जो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं इनके कुछ हमारे पास साइड इफेक्ट्स हैं, सबसे मेजर जो हमारे पास साइड इफेक्ट्स है एल्यूमिनियम कंपाउंड का दैट इज कि ये जो एल्यूमिनियम कंपाउंड होते हैं ये हमारे पास कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देते हैं। जब हम एल्यूमिनियम कंपाउंड्स को एज अ एंटासिड यूज करते हैं तो हमारे पास ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देते हैं, और क्योंकि हमारे पास एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी होती है तो हमारे पास जो एनल स्फिंक्टर्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारा
जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एल्युमिनियम सॉल्ट्स को हम मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं जनरली, ताकि हमारे पास कॉन्स्टिपेशन ना हो। अब ऐसा क्यों करते हैं वो जब हम मैग्नीशियम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तब बताते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास जो एल्युमिनियम कंपाउंड्स हैं, ये हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारे आयन्स का जो एब्जॉर्प्शन है उसको अल्टर करते हैं, जैसे कि डिजॉक्सिन जो ड्रग है, आयरन है, हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, उसके अलावा हमारे पास एट्रोपिन है और फॉस्फेट्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इन सब की जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास जो एल्युमिनियम कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास अल्टर करते हैं। और उसके अलावा एल्युमिनियम कंपाउंड्स ऑस्टियोमलेशिया और रीनल इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं। सो अब हमारे पास जो प्रेपरेशन एल्युमिनियम कंपाउंड्स की अवेलेबल है मार्केट में वो कौन से हैं? सबसे पहले जो मेजर हमारे पास जो रेगुलरली हमारे पास अवेलेबल प्रेपरेशन है, दैट इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अब जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है ये हमारे पास डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन से एक्ट करती है, हमारे पास बफर कर देती है और एब्जॉर्प्शन करवा देती है हमारे जो HCl हमारे पास हमारा HCl होता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो जाती है। लेकिन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है इसके केस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कोई लिबरेशन नहीं होती। जो एक्वस हम सस्पेंशन यूज़ करते हैं वो हमारे पास 10-15 ml यूज़ करते हैं, और इसकी हमारे पास जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है वो हमारे पास 2-4 hours तक रहता है। उसके अलावा हमारे पास जो ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो हमारे पास 300-600 mg यूज़ होता है, और 1-2 tablets जो हमारे पास है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की वो चू करी जाती है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के अलावा एल्युमिनियम जो हमारे पास कंपाउंड्स है उसके अंदर हमारे पास एल्युमिनियम फॉस्फेट जेल, ड्राई हाइड्रोक्सी एल्युमिनियम सोडियम कार्बोनेट और डाई हाइड्रोक्सी एल्युमिनियम अमीनो एसिटेट प्रेपरेशन भी एल्युमिनियम की आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड्स है नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स के अंदर हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड्स आते हैं कैल्शियम कंपाउंड्स, और कैल्शियम कंपाउंड्स के केस में हमारे पास जनरली कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमारे पास रैपिड एक्टिंग होता है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इन कंपैरिजन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, और मोस्ट इफेक्टिव हमारे पास जो एंटासिड्स है वो हमारे पास कैल्शियम कंपाउंड और कैल्शियम कार्बोनेट आता है। अब जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है ये माइल्डली हमारे पास सिस्टेमिक एसिड क्लोसिस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग है ये हमारे पास पार्टली एब्जॉर्ब होती है, और हमारे पास जो कैल्शियम कंपाउंड्स है वो बॉडी के अंदर हाइपरकैल्सीमिया भी कॉज कर सकते हैं, कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट साइड इफेक्ट्स आते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास गैस्ट्रिन का जो गैस्ट्रिन एंजाइम है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करवा देते हैं, जो कि हमारे पास एसिड का सिक्रीशन इन टर्न इंक्रीज करवा देती है। तो ये हमारे पास एज ए रीबाउंड मैकेनिज्म इनिशियली जो हमारे पास कैल्शियम कंपाउंड्स है वो जाके हमारे पास हाइपर एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास वापस से एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं जो कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं। और कैल्शियम कंपाउंड्स के भी हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। वन ऑफ द साइड इफेक्ट सिमिलर है हमारे पास एल्युमिनियम कंपाउंड्स के साथ कि जो कैल्शियम कंपाउंड्स है वो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ एंटीपेप्टिक एक्टिविटी होती है जो पेप्सिन एंजाइम है उसको हमारे पास इनहिबिट करते हैं कैल्शियम कंपाउंड्स, और रीबाउंड एसिड सिक्रीशन करवा देते हैं कैल्शियम कंपाउंड्स। और उसके अलावा हमारे पास जो कैल्शियम कंपाउंड्स है वो हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया करवा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो जाती है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो जाती है, और जो कैल्शियम कंपाउंड होता है इस कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका जो टेस्ट होता है वो हमारे पास चौकी होता है, नेचर में चौक जैसा टेस्ट होता है। सो हमारे पास ये जो जनरली अनएक्सेप्टेड होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास एज एन एंटासिड यूज होता है।
अब लास्टली हमारे पास जो कंपाउंड्स यूज होते हैं, थर्ड टाइप के कंपाउंड्स है, ये हमारे पास होते हैं मैग्नीशियम कंपाउंड्स। अब मैग्नीशियम कंपाउंड्स है ये भी हमारे पास स्लोली एक्ट करते हैं, और हमारे पास लेकिन इसका जो एक्शन होता है वो हमारे पास ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। वन ऑफ द मेन जो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स है वो ये है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका हमारे पास परगेटिव एक्शन होता है, और जो इसी वजह से हमारे पास जो मैग्नीशियम कंपाउंड्स हैं वो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स के साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, ताकि हमारे पास जो अब हमने पढ़ा, जब हम एल्यूमिनियम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे मैग्नीशियम कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास परगेटिव एक्शन कॉज कर एक्शन दिखा रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन एक ड्रग जो है वो कॉन्स्टिपेशन कर रही है, दूसरी ड्रग जो है वो हमारे पास परगेशन कर रही है, तो हम इन दोनों ड्रग्स को कॉम्बिनेशन के अंदर दे सकते हैं, ताकि हमारे पास जो कॉन्स्टिपेशन और परगेशन का इफेक्ट है वो हमारे पास काउंटर बैलेंस हो जाए। अब हमारे पास जो प्रेपरेशन हमारे पास मैग्नीशियम की आती है, तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड प्रेपरेशन आती है, उसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रेपरेशन आती है, हमारे पास मार्गरेट प्रिपरेशन आती है, हमारे पास मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आता है मार्केट में, और उसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट भी अवेलेबल है। सो एंटासिडिक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो हमारे पास मेजर जो कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है वो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। अब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के फॉर्म के अंदर हमारे पास मार्केट में प्रिपरेशन अवेलेबल होती है, उसके अंदर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारे पास एज अ परगेटिव या एज अ लैक्सेटिव भी यूज किया जा सकता है। और हम उसके अलावा हमारे पास जो कॉम्बिनेशन के अंदर, एक तो हमारे पास मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स को हम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम फास्ट एक्टिंग और स्लो एक्टिंग जो ड्रग्स है उनको साथ में यूज कर सकते हैं इंटरमीडिएट एक्शन को प्रोड्यूस करवाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास जो डीमल्सेंट और एंटीपेप्टिक हमारे पास ड्रग्स हैं हम उनको इकट्ठे यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो लिक्विड एंटासिड्स हैं वो हमारे पास प्रेफर्ड होती हैं, और उसके अलावा हमारे पास एंटासिड्स के साथ एंटी फ्लैक्चुलेंट जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास डिमेथिकेन और सिमेथिकेन ड्रग्स आती हैं, हमने जब पढ़ा कि हमारे पास CO2 की प्रोडक्शन करवा देते हैं सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक रिटेंशन हो जाती है, तो हम उनके साथ एंटी फ्लैक्चुलेंट ड्रग्स यूज कर सकते हैं। एंटी फ्लैक्चुलेंट ड्रग्स कौन सी यूज कर सकते हैं? डायमेथिकेन और सिमेथिकेन। और उसके अलावा हमारे पास बहुत बारी एंटासिड्स के साथ लोकल एनर्जेटिक्स यूज किए जाते हैं, लोकल एनर्जेटिक्स यूज किए जाते हैं, ताकि हम जो सिम्टोमेटिक पेन हो रहा है वो हम उसको रिलीफ करवा सकें। अब जो एंटासिड्स हैं ओवरऑल हमारे पास कहाँ कहाँ यूज होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हार्ट बर्न के अंदर, जो हमारे पास जलन होती है एसिडिटी की वजह से, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से हार्ट बर्न, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एंटासिड्स यूज होते हैं। उसके अलावा हाइपर एसिडिटी की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एंटासिड्स यूज होते हैं, और लास्टली हमारे पास जिन पेशेंट्स को पेप्टिक अल्सर होता है उन पेशेंट्स के अंदर सिम्टोमेटिक पेन रिलीफ के लिए एंटासिड्स यूज किए जाते हैं, और ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास एंटासिड्स यूज किए जाते हैं। जो हमारे पास गैस्ट्रिक और ड्यूडोनल अल्सर्स होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे पास एंटासिड्स यूज किए जाते हैं, और हमारे पास जो एंटासिड्स हैं ये हमारे पास स्मॉल डोजेस के अंदर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के अंदर ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं, रादर देन हमारे पास एक डोज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हम दें तो। और हमारे पास जो एंटासिड्स का इफेक्ट है वो मेजरली डिपेंड करता है कि ये हमारे पास जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट कर पाता है या नहीं। सो इस लेक्चर के अंदर हमने एंटासिड्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि एंटासिड्स दिए क्यों जाते हैं, एंटासिड्स का हमारे पास क्या फंक्शन होता है, किन क्लासेस के अंदर हमारे पास एंटासिड्स डिवाइडेड है, इन क्लासेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और हमने स्पेसिफिक एजेंट्स के बारे में भी पढ़ा, और हमने कॉम्बिनेशन के बारे में भी पढ़ा कि कौन एंटासिड्स के साथ हम क्या कॉम्बिनेशन के अंदर देते हैं। सो
विद दिस आपका जो एंटीसिड वाला पोर्शन है वो फिनिश होता है. थैंक यू.